हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बडी चैनल। आज हम 6 स्टैंडर्ड का 14 लेसन का रिवीजन देखने वाले हैं। इसका हेडिंग है लाइट एंड द फॉर्मेशन ऑफ शैडो। तो हम देखेंगे इसके फिलिंग द ब्लैंक्स और इसके क्वेश्चन आंसर हम देखते हैं, फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। तो हम वीडियो शुरू करते हैं। चूज एन एप्रोप्रिएट वर्ड एंड फिल इन द ब्लैंक। Choose an appropriate word and fill in the blanks. A dash is a natural source of light. So, हमारा आंसर है स्टार। A dash is an artificial source of light is candle. हमको पता है natural means जो nature से हमको मिलता है। तो स्टार क्या है? Nature का एक पार्ट है। तो हमको स्टार क्या है? Natural source of light और candle हम खुद जलाते हैं, तो वो artificial हो गया है। Third देखते हैं, when light पास थ्रू अ प्रिज्म इट गेट सेपरेट 7 कलर्स। ठीक है, 7 हमारा आंसर है। द इमेज ऑब्टेन इन द पिन होल कैमरा इज इन्वर्टेड। अ शैडो इज फॉर्म व्हेन अ ओपेक ऑब्जेक्ट कम इन द वे ऑफ लाइट। तो ओपेक हमारा आंसर है व्हेन अ डैश ऑब्जेक्ट इज कम इन अ वे ऑफ लाइट पास डैश इट। When a transparent object comes in a way of light, transparent means transparent glass, जब उससे light गुजरती है तो it lights pass through it, उससे light गुजरती है तो उसकी कोई shadow नहीं आती है, इसके बारे में ही है। The following objects are luminous or non-luminous. Luminous or non-luminous हमको देखने हैं, means natural or artificial. Objects are given, first object है book. Book क्या है? Non-luminous. अ बर्निंग कैंडल इज luminous, ठीक है। अ वैक्स क्लोथ नॉन luminous. अ पेंसिल नॉन luminous. अ पेन नॉन luminous. अ लाइट बल्ब luminous. अ टायर नॉन luminous. अ टॉर्च luminous. जिससे हमको लाइट मिलती है, चाहे वो कैंडल हो, बल्ब हो, टॉर्च हो, तो ये सब एग्जाम्पल luminous हो जाते हैं। और जिससे हमको लाइट वाले ऑब्जेक्ट नहीं है वो नॉन luminous। ग्रुप ए, मिरर, फायरफ्लाई, पिनहोल कैमरा एंड मून। मिरर को रिफ्लेक्शन, मिरर से हमको रिफ्लेक्शन दिखता है हमारा, इसके लिए हमने रिफ्लेक्शन को मैच कर दिया है। फायरफ्लाई क्या है? ल्यूमिनस मीन्स इनसे लाइट आती है। पिनहोल कैमरा ऑलरेडी हमको बताया, इन्वर्टेड इमेज। और मून क्या है? नॉन ल्यूमिनस, क्योंकि सन से उसको लाइट मिलती है इसलिए वो नॉन ल्यूमिनस हो गया। राइट द आंसर टू द फॉलोइंग। फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा फास्ट जा रही हूँ ताकि आपको छोटे से वीडियो में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके और आपके अच्छे पेपर जाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ती हूँ मैं। व्हाट थिंग्स आर नेसेसरी फॉर फॉर्मेशन ऑफ शैडो। शैडो के लिए हमको क्या जरूरी है? तो मैं आंसर पढ़ती हूँ। अ शैडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म ओनली व्हेन लाइट डज नॉट पास थ्रू द ऑब्जेक्ट। जब ट्रांसपेरेंट से लाइट चले जाएंगी तो हमको कोई शैडो नहीं दिखाई देगा। द काइंड ऑफ शैडो इज फॉर्म डिपेंड्स अपॉन द रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, इसमें हमको एक डिस्टेंस चाहिए ताकि हमको एक शैडो दिख सके। द ऑब्जेक्ट एंड द सर्फेस ऑफ द स्क्रीन ऑन विच द शैडो इज फॉर्म, जिससे हमको शैडो क्लियरली दिखाई दे सके, वो ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा एक आंसर हो गया है। वेन कैन अ ऑब्जेक्ट बी सीन। ठीक है, तो आंसर देख लेते हैं। वी सी द ऑब्जेक्ट वेन द रिफ्लेक्टेड रेज रीच आर आईज। जब हमको रोशनी दिखाई देती है तो हम कोई भी चीज देख लेते हैं। द रेज ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर हम अंधेरे में भी हो तो अगर कोई चीज उजाले में हो तो हमको फौरन दिखाई दे देती है। ठीक है, उसके बाद है सोर्स ऑफ लाइट आर थ्रोन बैक फ्रॉम अ सर्फेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, दिस इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सी व्हाट इज शैडो। ठीक है, शैडो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है तो मैं उसका आंसर रीड करती हूँ। When an opaque object come in a way of light source, light does not pass through it. ठीक है, transparent हमको कोई चीज नहीं चाहिए जिससे light pass नहीं होना चाहिए। The light does not reach a wall or any other surface on the other side of object. The part remain dark, जिससे हमको dark part दिखाई देता है, this part is called a shadow of the object. ठीक है, light and the formation of shadow का revision हो गया है। 15 का रिवीजन देख लेते हैं, 6 स्टैंडर्ड का, फन विथ मैग्नेट। ठीक है, वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ विल यू डिड दिस।
डिटरमाइन वेदर अ मटीरियल इज अ मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक. हमको पहचानना है कि मैग्नेटिक है या नॉन मैग्नेटिक है. टेक अ मिक्सचर ऑफ सैंड, पीस ऑफ पेपर, आयन फिलिंग एंड पिन एंड पास अ मैग्नेट अराउंड द मिक्सचर. ठीक है, हमको ये सब चीजें लेना है और हमको मैग्नेट में उसको डालना है. द मटीरियल डैट स्टिक टू अ मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक एंड वाइल दोज डू नॉट स्टिक आर कॉल्ड नॉन मैग्नेट. जो स्टिक हो जाएंगे वो मैग्नेटिक, जो स्टिक नहीं होंगे वो नॉन मैग्नेटिक. दैट अ मैग्नेट हैज अ सर्टन मैग्नेटिक फील्ड स्प्रेड एन आयन फीलिंग यूनिफॉर्मली ऑन द पीस ऑफ पेपर. प्लेस अ मैग्नेट इन द सेंटर ऑफ पेपर अप टू अ पर्टिक्युलर रीजन. आयन फीलिंग गेट अट्रैक्टेड टूअर्ड अ मैग्नेट. बियॉन्ड द आयन फीलिंग डू नॉट गेट अट्रैक्टेड. ठीक है, द रीजन वेयर आयन फीलिंग गेट अट्रैक्टेड इज अ मैग्नेटिक फील्ड. जिससे आयन अट्रैक्ट हो जाएगा वो क्या बन जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट. हमको नॉर्थ पोल ढूंढना है मैग्नेट के जरिए. टाई अ थ्रेड टू अ सेंटर ऑफ अ बार मैग्नेट एंड हैंग इट फॉर्म अ स्टैंड. ठीक है, उसको हमको हैंग करना है मैग्नेट को. नोट द डिरेक्शन इन विच द मैग्नेट सेटल एंड टर्न इट्स राउंड अगेंस्ट. ठीक है, फिर हमको देखना है उसकी डिरेक्शन क्या है. लेट इट सेटल एंड नोट द डिरेक्शन. उसको ऐसे ही रखना है और फिर हमको डिरेक्शन को नोट करना है. द एंड ऑफ मैग्नेट दैट पॉइंट टू द नॉर्थ. जिससे वो नॉर्थ की तरफ जब डिरेक्ट करेंगे तो वो नॉर्थ पोल बन जाएगा. वाइल द एंड पॉइंट इज कॉल्ड अ साउथ पोल. इफ द डिरेक्शन आर नॉट अननोन देन मरीनर कंपास इज यूज्ड. विच मैग्नेट विल यू यूज? फर्स्ट आयन इज टू बी सेपरेटेड फ्रॉम ट्रैश. आंसर बार मैग्नेट और अ इलेक्ट्रोमैग्नेट. बी यू आर लॉस्ट इन फॉरेस्ट. सो हम यूज करेंगे मरीनर कॉम्पस. जो हमको कॉम्पस दिया है नोटबुक में भी उसकी फोटो है. सी अ विंडो शटर ओपन एंड शट्स कंटिन्यूसली इन द विंड. दैट इज आंसर परमानेंट मैग्नेट. इन द ब्लैंक्स देखते हैं. इफ अ बार मैग्नेट इज हैंग बाय अ थ्रेड टाई एट इज सेंटर इन अ नॉर्थ पोल बिकम स्टेडी इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ. तो ये हमको पता है नॉर्थ पोल के बारे में है. जब हम मैग्नेट को हम अगर हैंग करेंगे तो नॉर्थ पोल बताएगा. इफ अ बार मैग्नेट इज कट इन टू इक्वल पीसेस बाय कटिंग इट एट राइट एंगल टू इट्स एक्सिस एट अ टू प्लेस थ्री बार मैग्नेट्स आर फॉर्म एंड टोटल ऑफ सिक्स पोल. जब हम उसको कट करेंगे तो हमको कितने मिलेंगे? थ्री बार्स ऑफ मैग्नेट मिलेंगे और उसके जरिए हमको सिक्स पोल्स मिल जाएंगे. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. There is a repulsion between like poles of magnet and attraction between a opposite pole. Opposite के पोल के बारे में बताया है कि वो अट्रैक्शन के बारे में बताया है. नेक्स्ट, when magnetic material is taken close to a magnet, the material acquired induce magnetism. जब हम material, कोई भी material को magnet बताते हैं तो उसमें क्या होना चाहिए? Induce magnetism. If a magnet attract piece of metal, द पीस मस्ट बी मेड ऑफ मैग्नेटिक मटीरियल और आयन. सेम वही रिलेटेड क्वेश्चन. मैग्नेट रिमेन स्टेडी इन अ नॉर्थ एंड साउथ डिरेक्शन. मैग्नेट के डिरेक्शन कौन से होते हैं? नॉर्थ और साउथ. मैग्नेट का भी रिविजन हो गया है. बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम.